नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। अगर दोस्तों आपको थायराइड की समस्या है, चाहे वो हाइपोथायरायडिज्म हो या हाइपरथायरायडिज्म, आपको डॉक्टर्स जो हैं वो एक परमानेंट बीमारी बताकर एक पिल पकड़ा देते हैं जो कि रोज़ाना खाली पेट आपको खानी होती है और ये लाइफ लॉन्ग आपको खानी होती है, जिससे कि आपका थायराइड का प्रॉब्लम जो है वो मैनेज होता रहे। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि थायराइड की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको किस किस तरह का खाना खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए। दूसरा, थायराइड की अगर आपको प्रॉब्लम है तो किन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है, परहेज करना है, जिससे कि आपके थायराइड को कोई नुकसान ना हो और साथ ही साथ आपके थायराइड की जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाए, इम्प्रूव हो जाए और आपकी ये मेडिसिन भी छूट जाए। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको घरेलू ऐसे कौन से उपाय हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, अपना सकते हैं, जो कि आपकी थायराइड के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मेडिसिन जो चल रही है वो छूट जाएगी। दूसरी, कि आपको क्या क्या चीज़ों का परहेज करना है। बात करते हैं सबसे पहले कि परहेज क्या क्या करना है। नंबर वन, कि जो भी सोया प्रोडक्ट होते हैं, स्पेशली टोफू हो गया, पैकेट बंद फूड हो गया, ये बिल्कुल नहीं खाना है। दूसरा, ब्रोकली हो गया, पत्ता गोभी हो गया जिसे कैबेज कहते हैं, या फिर कॉलीफ्लावर गोभी को नहीं खाना है। तीसरा, अगर आप फ्रूट्स लेते हैं तो उसमें पीचेज और स्ट्रॉबेरी को बिल्कुल अवॉइड करना है। चाय कॉफ़ी, इसको अवॉइड करना है। अल्कोहल हो गया, सोडा ड्रिंक्स हो गए, इनको तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्वीट पोटैटो जिसे शकरकंद कहते हैं वो बिल्कुल अवॉइड करना है। साथ ही रेफ्रिजरेटेड फूड हो गया, कोल्ड वाटर हो गया, या ठंडा पानी के साथ साथ दही हो गया, मट्ठा हो गया, इसका भी इस्तेमाल अगर आप नहीं करेंगे तो इससे आपके जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। अब बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको कंज्यूम करनी चाहिए, क्या है नेचुरल उपाय। नंबर वन और सबसे बेस्ट और अच्छा कारगर, कि अगर आपके पास कोरिएंडर सीड है, यानी कि धनिया जिसे साबुत धनिया कहते हैं, वो आप क्रश करके पाउडर फॉर्म बना के रख लीजिए। कोशिश करिए कि आप जब उसको क्रश करेंगे या पाउडर फॉर्म बनाएंगे तो वो मिक्सी में ना होकर, जो हमारे पुराने टाइम पे यूज़ किया जाता था मोर्टार पिस्टल से या फिर बेलन से, आप उसको कूट के क्रश करके पाउडर बना लीजिए। उसे एक बॉक्स में रख लीजिए, रोज़ाना एक चम्मच उस पाउडर को एक गिलास पानी में भिगा कर रात भर छोड़ दीजिए। सुबह मॉर्निंग में आपको वही पानी को बॉयल करना है, जब वो पूरा एक गिलास पानी हाफ गिलास हो जाए तो आप उसको ठंडा करके छान कर पीजिए, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। लेकिन ये आपको करना है नाश्ते से आधे घंटे पहले, रोज़ाना खाली पेट। इससे आपका जो थायराइड का प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा। लगातार 3 महीने तक आप करके देखिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़, कि आपको क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करनी है। सबसे पहला, कि आप सेलेनियम रिच फूड ले सकते हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड हो गया, चिया सीड हो गया, योगर्ट हो गया, या फिर ब्राज़ील नट हो गया, और या फिर आप ले सकते हैं ब्राउन राइस। ये बहुत ही ज़्यादा सेलेनियम रिच फूड है जो आपकी थायराइड की हेल्थ को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करता है। नंबर टू, सभी को पता है कि आयोडीन जो होता है वो हमारे थायराइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप आयोडीन वाले नमक का इस्तेमाल ज़रूर करें। ध्यान रखें, जो रिफाइंड सॉल्ट आता है घरों में और नॉर्मली, वो उनमें आयोडीन नहीं होता है, तो उसे नहीं लेना है। अब बात करेंगे कि इसके अलावा आप क्या क्या ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में आप दूध ले सकते हैं, लेकिन दही और मट्ठे को अवॉइड करिएगा। कच्चा नारियल जिसमें लॉरिक एसिड होता है वो भी बहुत हेल्पफुल है आपके थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। इसके अलावा घर का बना होममेड फ्रेश फ्रूट ही कंज्यूम करें। कोशिश करें कि दिन में कम से कम 4 बार खाना ज़रूर खाएं। इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी डाइट को अच्छा कर सकते हैं, न्यूट्रिशियस कर सकते हैं, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपनी जो नींद है वो प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें, स्ट्रेस को कंट्रोल करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। याद रखें, हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट मेडिसिन, सो बी हैप्पी एंड एक्टिव। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।